रिपली ऑन स्पॉटलाइट। जाने कितने सालों बाद किसी अपने ने खुद के हाथों से खाना बनाया और अपने हाथों से परोसा है मुझे। आज इतने सालों बाद किसी ने मुझे अपना खाया। Did you or did you not have an affair with Romesh? बड़ी स्मार्ट चीज है, देव बैनर्जी को इसने अपनी जेब में रखा हुआ है। उनके रंग बदलने से पहले हमें अपना रंग दिखाना पड़ेगा। It is really cutthroat. I mean, we have to look for a new story every day. किसने खबर छपाई है? इसको आपके और देव सर के बारे में पता चल गया। रिया कितनी भी अनारकली बनने की कोशिश क्यों ना करे, शहजादा सलीम तो मेरे हाथ में है। It's a miracle. इनफैक्ट आप लोग और मिस सना के लाखों फैंस का प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स का ही नतीजा है जो आज मिस सना कोमा से बाहर आ पाई है। बट आई मस्ट से वन थिंग दैट मिस सना इज अ रियल फाइटर बिकॉज शी हैज फॉट विद डेथ। सो व्हाट शुड वी डू रमेश? शुड वी गो अहेड विद द केस या फिर विड्रॉ करना है केस को? ऑफ कोर्स वी शुड गो अहेड विद द केस। नाउ दैट शी इज आउट ऑफ कोमा वी शुडंट वेस्ट अ मिनट। मुझे लगता है हमें कुछ नहीं करना चाहिए, रहने देते। कुछ नहीं करना चाहिए मतलब हम भूल जाएं सब कुछ। या ये मौका है हमारे पास हमारा बड़प्पन जताने। लोग सोचेंगे कि रोमेश राज इतना संभला हुआ इंसान है, सना सन्याल के बारे में बोलना ही बंद कर दिया आफ्टर शी वाज शॉट। इट मेक्स मी लुक जेनरस। What's going through your manipulative mind? Why has your opinion drastically changed overnight? Just let it be, Sia. Please. Why should I let it be? Give me one reason. Okay. Okay. Okay, I get it. ये सब उस रिकॉर्डिंग को सुनने का नतीजा है, राइट? सडनली हर स्टोरी इज मूविंग यू। ओह पुअर सना एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस। यार बकवास मत करो प्लीज। फक यू रोमेश। चार दिन से तुम उस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हो। यू आर ट्राइंग टू टेल मी यू डोंट हैव वन पीस ऑफ डर्ट ऑन। तुम्हारा मतलब है उस पूरी रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम उसके खिलाफ यूज कर सकें, राइट? यूज योर नॉन एग्जिस्टेंट ब्रेन नसिया। वो अपने बायोग्राफर से ऐसी बातें क्यों करेगी? शी इज नॉट सम गॉडडैम डिक्टेटर ऑफ अ बनाना रिपब्लिक ना कि उसकी लाइफ में इतना डर्ट होगा। एंड आई एम लिसनिंग टू हर टेप्स एंड मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट यूज। नो 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 मिस्टर राज, डोंट फूल मी। मधु श्रोत्रिया कोई ऐसी वैसी बायोग्राफर नहीं है। द रीजन शी इज राइटिंग अ बायोग्राफी ऑन हर इज बिकॉज देयर इज सम कंट्रोवर्सी एंड द पॉइंट इज व्हाई आरंट वी यूजिंग। I say so. All right. कुछ बिजनेस की बातें करते हैं। I know all your secrets, Ramesh. I know what the world does not know. That you're a depressive man. Psychiatrist के पास जाते हो, depression की दवाइयां लेते हो, दो नर्वस ब्रेकडाउन हो चुके हैं तुम्हारे। अगर तुम्हारे प्रोड्यूसर्स को पता चला ना दैट यू आर अबास के केस, आई वंडर व्हाट दे विल हैव टू से। सो डोंट गिव मी दिस बिकॉज आई से सो बुलशिट ऑफ योर्स। एंड इफ यू थिंक कि मुझे मिसेस स्टार बनने का बहुत शौक है और ये मैरिज एक बिजनेस है, सो लेट्स स्टॉप बिजनेस लाइक। यू डू व्हाट आई से एंड नॉट द अदर वे अराउंड। डू यू गेट इट? Starry boy. Take that as a yes. Khafa khafa si har khushi mili hai har dafa. जरा जरा सी बात पे ये रूठी हर दफा। न जाने ख्वाहिशों में क्यों मला। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो अनारकली वेंट टू प्रिया बट यू स्टिल वांटेड अनारकली, राइट?
So what happened then? Well, I still remember. We were shooting for my film with Priya. This particular day, we had a really important scene with her. छोटी बहन हो तुम मेरी, एक बार मांग कर देखा होता, सब कुछ तुम्हें दे देती। लेकिन इस तरह अरुण के साथ रिश्ता बनाकर मेरी पीठ में छुरा भोंकने की क्या जरूरत थी? हाँ हूं मैं गलत, और मुझे अपने गलत होने पे कोई शर्म नहीं, कोई गम नहीं। बचपन से लेकर आज तक तो तुम्हें सब कुछ मिलते आया है, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि जब किस्मत साथ नहीं देता है तो शैतान जरूर देता है। Got it! Brilliant! Brilliant shot! Brilliant shot! Well done! Well done! Well done! Both of you! Great work! Great work! I like the chemistry, the give and take. Excellent. We'll take 15 minutes for the next shot, okay? So just hang around here. Yes. Dada, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगला मुझे Give me 2 minutes. Hi. Hello. Please sit. तो कुछ पता चला? Any information? Information नहीं, proof लेकर आया हूँ साथ। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे पता चला, लेकिन खैर ये लीजिए। I think you'd love the photographs that I have. Can't wait till tomorrow. Done. See you soon. कौन था दीदी? ऐसा कोई जिसे photographs काफी अच्छे लगेंगे. आइए, आइए. Hi. Oh, hi. How are you? I'm fine. Would you like some tea or coffee? Oh God, it's too hot for tea or coffee. I would like to have an iced tea. Iced tea? Sure. An iced tea coming your way. So, Sana, how come you called me? Well, Jitesh, I have something really interesting to show you. It'll make you want another iced tea. Really? Then show me. Wow, such fun. लेकिन प्रिया के साथ तुम्हारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. So think twice before you want to see the pictures. What? मैं प्रिया को कभी backstab नहीं कर सकता. She has been my friend for years. I understand. You can still have your iced tea. Baby, wake up. What's the time? 7 o'clock ho gaye. Wake up now. Shoot pe jana hai na. Acha bas 5 minutes, huh? 5 minutes, huh?
प्रिया, प्रिया, प्रिया उठो, प्रिया जल्दी उठो प्लीज, लुक एट दिस। सालों की दोस्ती एक कवर पेज स्टोरी के लिए बेच दी। जितेश, यू रियली स्टैब्ड मी इन द बैक। लिसन बेबी, जस्ट काम डाउन, नाउ इट्स डन। आई हैव एन आइडिया। देखो, तुम्हें अब इस स्टोरी को कंप्लीटली डिनाई करना है। Just put the entire blame on me. बोल दो कि मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने ये पब्लिसिटी के लिए किया है and fire me. वैसे भी लोगों की गोल्डफिश मेमोरी होती है, दो दिन में भूल जाएंगे। खुशी, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करोगी? Of course करूंगी प्रिया। You're going to take the blame on you? I love you. Ask my agency to call for a press conference. Please, आप सबके सवालों के जवाब ही देने आई हूं। और आप सबके ही क्यों, मेरे फैंस के सवालों के जवाब, फिल्म फ्रेटर्निटी के सवालों के जवाब, और इस दुनिया में जो मुझ में इंटरेस्टेड हैं उन सबके सवालों के जवाब। सवाल दरअसल आसान सा है और उसका जवाब भी उतना ही आसान। आज सुबह के अखबार ने चिल्ला कर कहा कि प्रिया एक लेस्बियन है, उसका उसकी हेयर स्टाइलिस्ट के साथ रिश्ता है। मैं कोई आर्टिकल 377 की एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं एक सिंपल लड़की हूं। और हां, ये सच है कि मैं लड़की होकर एक लड़की से प्यार करती हूं। मैं जानती हूं आज के बाद मेरा करियर दो कौड़ी का हो जाएगा। जो लड़की एक दूसरी लड़की से प्यार करती है वो स्क्रीन पर हीरो के साथ रोमांस कैसे कर सकती है? करोड़ों मर्द जो ऑडियंस में बैठे हैं उनको कैसे रिझा सकती है? तो करियर नहीं तो ना सही। कल हो सकता है कोई मुझ पर केस कर दे और मुझे जेल जाने पर मजबूर कर दे। वो जेल हुई तो जेल सही, लेकिन आज जो बहुतों के पास नहीं है वो मेरे पास है। प्यार है मेरे पास, और उस प्यार के लिए, मेरे प्यार के लिए ऐसे हजारों करियर कुर्बान और सैकड़ों साल की जेल मंजूर। जी बेशरम लड़की है। थैंक यू ऑल एवरीवन। पूरी दुनिया के साहब ने कबूल कर लिया इसने, इसका करियर खत्म। बेवकूफी की इसने, समझदार भी की है बेशरम, बेवकूफी नहीं। प्यार के लिए पूरी दुनिया को ठुकरा दिया इसने। ऐसा प्यार है, ऐसे प्यार करने वाले आजकल कहाँ मिलते हैं इस दुनिया में। नंबर वन बनने की चाह में हम यही भूल जाते हैं कि प्यार में भी तो नंबर वन बना जा सकता है। आज आउटडोर का लास्ट है, कल फिर मुंबई। गुड बाय ड्रीम्स एंड वेलकम रियलिटी। वी गो बैक टू आवर प्राइवेट हेल्स। प्राइवेट हेल्स।
Don't what? To fall in love with me. It's a little too late for that. सुना मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ. I'm a married man and कल मैं अपनी बीवी के पास चले जाऊंगा. तुम फिर से अकेली हो जाओगी. Don't do that to yourself. झूठे हो तुम. झूठा? Yeah. You're a liar. How? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है. देने के लिए बहुत है, बस तुम देना नहीं चाहते. That's not true. जो कुछ भी मेरे बस में है मैं तुम्हें आज भी इसी वक्त दे सकता हूँ. रमेश, कुछ नहीं चाहिए. You're in love with me. Just say it. That's all. मुझे कुछ नहीं चाहिए. Just want to know if you love me. Yes. I love you. Very much, Sana. Truthfully. रमेश का जिस्म तो आपके पास रहता है. उसके रो तो मेरे साथ मैच होगी. दीदी, एक बात बोलूं. तू जब कोमा में थी तो रमेश सर आए थे तेरे को देखने. बहुत टाइम इधर खड़े रहे, फिर गए. कुछ अलग लग रहा था उनके बर्ताव में. थोड़ा टूट से गए हैं दीदी. सी हर खुशी मिली है हर दफा. जरा जरा सी बात पे ये रूठी हर दफा. न जाने ख्वाहिशों में क्यों मलाल सा रहा. मनाया जिंदगी जाने कैसा ये रास्ता.